सीर मोस्ट पिटी फिट हाइट कोर्स। छोटे कद वाले हजरात अब मायूस होना छोड़ें, क्योंकि जो हल हम आपको बताने जा रहे हैं इसमें आपके अपने कद को 4 से 6 इंच तक इजाफा कर सकते हैं, तो वीडियो को आगे तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट आरजू मलिक। नाजरीन, आपको बताते चले, जब लंबाई बढ़ाने की बात आई हो तो कद को लंबा करने की ख्वाहिश किसको नहीं होती। हर इंसान चाहता है कि वो दूसरों से ज्यादा पुरकशिश और खूबसूरत नजर आए। तो नाजरीन, जब भी हाइट बढ़ाने की बात हो रही हो, जिस्म को चौड़ा और मजबूत बनाने की बात आती है, तो हमारे जिस्म में HGH यानी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाना सबसे ज्यादा जरूरी है। हमारे जिस्म में पिट्यूटरी के नाम की एक ग्लैंड होती है जिससे ये ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन निकलता है। तो कैसे बढ़ाते हैं इस ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को कि आपकी हाइट बढ़ने लगे। आज हम पहले तो आपको वो वजूहात बताएंगे कि हार्मोन क्यों बढ़ना रुक जाता है, इसके बाद आपको इसका हर्बल इलाज बताएंगे और इसी के साथ खुराक और एहतियाती तदाबीर भी बताएंगे, ताकि जल्द अज जल्द आप इस मर्ज से छुटकारा पाकर खुशगवार जिंदगी बसर कर सकें। नाजरीन, वजूहात में सबसे पहले जिस्म को सही खुराक ना मिलना है, मुशक्कत वाले काम बचपन से ही शुरू कर देना और इसके मुताबिक ताकत वाली खुराक इस्तेमाल ना करना। इस वजह से हार्मोन्स ग्रोथ नहीं कर पाते, आपकी हाइट छोटी होने के साथ साथ दुबले पतले भी होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बोन्स कमजोर होना शुरू हो जाती हैं और इंसान बदसूरत नजर आना शुरू हो जाता है। छोटी उम्र में वेट लिफ्टिंग हरगिज मत करें, कोल्ड ड्रिंक फास्ट फूड्स का इस्तेमाल ना करें। WHO की तहकीक के मुताबिक वाहनों की ज्यादती का शिकार बच्चे छोटी हाइट में मुब्तला हो जाते हैं, क्योंकि इनमें जस्त की कमी वाकया हो जाती है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स और कैल्शियम की कमी में भी ग्रोथ में रुकावट की सबसे बड़ी वजह है। इसके अलावा घरों में एल्यूमिनियम के बर्तनों का इस्तेमाल भी जिस्म में जस्त की कमी का बाहिस बनता है और बच्चों की हाइट ग्रोथ रुक जाती है। छोटा कद अच्छे भले इंसान को एहसास कमतरी में मुब्तला कर देता है, क्योंकि इंसान की शख्सियत और पर्सनैलिटी में कद बड़ी अहमियत का हामिल है। लोग हर तरह की अदवियात इस्तेमाल करके कद को बढ़ाने के लिए जो मुस्नुई तौर पर काम करती हैं, जिससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आपकी इस परेशानी को मद्देनजर रखते हुए छोटे कद को बढ़ाने के लिए तासीर दवाखाना के माहिरीन ने बेउलादी के मशहूर रूहानी मुआलिज हकीम और डॉक्टर तारिक महमूद तासीर की सरपरस्ती में एक कामयाब कोर्स मुतारिफ करवाया, जिसको तासीर मोर स्पिंडी फिट हाइट कोर्स का नाम दिया गया है। इस कोर्स में ऐसे कीमती अज़ा शामिल किए गए जो कि जिस्म में कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट्स की कमी को पूरा करके हड्डियों को लंबा करने में मदद देते हैं। ये कीमती कोर्स हर तरह के केमिकल से पाक हर्बल इलाज है, इसके किसी भी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ऐसे लोग जो जिस्मानी इर्तका से महरूम रह गए हों या जिनकी हड्डियों की नशोनुमा बेहतर तरीके से ना हुई हो, ये कोर्स इनके अज़ा की रुकी हुई नशोनुमा को दुरुस्त हालत में लेकर आता है। आप भी एक दफा इस कोर्स को जरूर आजमाएं। इसके साथ साथ खुराक और कुछ एहतियाती तदाबीर का जिक्र करूंगी, जिन पर अमल करके आपकी रुकी हुई नशोनुमा दोबारा बहाल हो जाएगी। तो पहले बात करते हैं खुराक के बारे में। कोल्ड ड्रिंक्स और फास्ट फूड से जिस हद तक हो सके दूर रहें। मुतवाजन ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, ऐसी खुराक इस्तेमाल करें जिनमें विटामिन कसीर मकदार में हो। कैल्शियम से भरपूर ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें, मसलन दूध मिल्क शेक का रोज़ाना इस्तेमाल करें। विटामिन से भरपूर दालों और सब्जियों का इस्तेमाल करें। दही और पनीर भी कद को बढ़ाने में बहुत मुफीद है। दिन के खाने में सब्जियों को बतौर सलाद इस्तेमाल करें। अब मैं आपको एहतियाती तदाबीर बताती हूँ। रोजाना 2 से 3 किलोमीटर डेली वॉक करें, स्ट्रेचिंग वाली गेम लगाएं या कोई जिम भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपकी बॉडी के मसल्स खुलें। इसके अलावा स्ट्रेचिंग से रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है और इससे पट्ठों में लचक भी पैदा होती है। इन हदायत पर अमल करके आप अपनी हाइट में बहुत जल्द इजाफा कर सकते हैं। इस कोर्स की 30 दिन की अद्वियात की कीमत 8,800 रुपये है। इस कोर्स को आप तब तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक आपका कद आपकी ख्वाहिश के मुताबिक ना हो जाए। इससे मुतल्लिक मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए हमारा यूट्यूब चैनल तासीर दवाखाना विजिट करें और चैनल पर दिए गए नंबर्स पर हमसे राब्ता करें। उम्मीद है हमारे नाज़रीन को हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।